हेलो व्हाट्सअप गाइस आज हम हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ रिडक्स स्टोर इन आवर रिएक्ट एप्लीकेशन बिलीव मी गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज फाइनली स्टोर को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं इन आवर रिएक्ट एप्लीकेशन वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारा जो प्रीवियस वीडियो गाइस हमने उसमें ऑलरेडी देख चुका था कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई में वी हैव समथिंग कॉल्ड अ स्टोर है ना जहाँ से कोई भी कंपोनेंट कभी भी डेटा को गेट कर सकता है बिना कोई प्रॉप डीलिंग वाले इशू से सेम वही कॉन्सेप्ट हमें रिडक्स प्रोवाइड करता था जमाने पहले से ही ठीक है तो ये जो स्टोर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो हम अब स्टोर कैसे क्रिएट करें जहां पे कोई भी कंपोनेंट कभी भी बिना किसी पे डिपेंडेंट हो के यहाँ से डेटा को एक्सेस अपडेट मॉडिफाई कुछ भी कर सकता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पे चलता हूँ रिड्यूसर तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ठीक है थेके, तो अब हम समझते वॉट इज स्टोर इन रिडक्स तो देखो ये द स्टोर इज वेयर रिडक्स किप्स ऑल योर एप्स डेटा स्टोर एक ऐसा जगह है जहाँ पे रिडक्स एप्लीकेशन आपके जितने भी डेटा है उसको स्टोर करके रखता है नाम ही स्टोर हो गया राइट right? आप अपने घर में स्टोरेज रखते होंगे वॉडर अलमीरा एंड ऑल समथिंग एंड यहाँ पे लिखा भी है कि इट्स लाइक डेटा बेस फॉर योर ऐप बट इट्स ओनली फॉर मैनेजिंग डेटा इन मेमोरी नॉट सेविंग इट परमानेंटली ठीक है तो आप इसको जब आप एक डेटा की तरह समझ लीजिए जहाँ पे आप अपने पूरा एप्लीकेशन का इस डेटा को स्टोर कर करके रखते थे मोंगो डी बी या माईस्क्यूएल में बट यहाँ पे हम डेटा आई मीन जो भी वो डेटा है वो मेमोरी में स्टोर करें ना कि परमानेंटली ठीक है जो कि इंपॉर्टेंट है हाँ इसका डेटा हम ऑब्वियसली स्टोर करके रख सकते बट फिलहाल अभी हमें उसकी कोई नीड नहीं है सो so, थोड़ा बहुत चीज़ें हैं जो हमें समझना पड़ेगा कि हम स्टोर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड मैं फिर से बताना चाहूँगा पहले हम थ्योरी विथ एनिमेशंस देख रहे देन हम प्रैक्टिकल देखेंगे इफ़ यू डोंट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग थ्योरी तो आप डायरेक्टली गई इसको स्किप करके जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है टाइमलाइन चैप्टर्स दिया है आप चेकआउट कर सकते हो ठीक है सो so, देखिएगा इस कुछ नहीं करना बहुत ही ज़्यादा इजी एंड दैट इज कि जस्ट वी नीड टू इंपोर्ट वन आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट दैट इज योर क्रिएट स्टोर एंड देन जस्ट हमें उस क्रिएट स्टोर को यूज करना है उसके अंदर हमें रिड्यूसर पास करके एक वेरिएबल को पास कर देना है तो ये जो वेरिएबल होगा मेरा स्टोर या जो भी आप नाम लिखोगे उसके अंदर वो सारे प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स आ जाएंगे जो क्रिएट स्टोर हमें प्रोवाइड करता है रिडक्स के अंदर ठीक है सो ये देखो द क्रिएट स्टोर मेथड्स क्रिएट्स द रिडक्स स्टो यूजिंग द रिड्यूसर फंक्शन दैट हैंडल्स ऑल द स्टेट चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू द एक्शन ठीक है ये तो चलो पता चल गया कि आपको जस्ट क्रिएट स्टोर करके एक ऑलरेडी हमें मिलता है एक मेथड उसको हमें गेट करना है एंड उसके अंदर रिड्यूसर फंक्शन को पास कर देना है एंड देन जिस भी कॉन्स्टेंट uh, वेरिएबल में आप पास करें उसके पास वो सारी प्रॉपर्टी एंड मेथड आ जाएगी एंड uh, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी एंड मेथड आने वाली वो कौन सी है तो गाइस जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा दैट इज़ हाउ टू डिस्पैच एंड एक्शन तो इनमें से ये जो डिस्पैच आपको दिखाई दे रहा है स्टोर डॉट डिस्पैच तो अभी जस्ट हमने जो स्टोर पाया यू नो विद द हेल्प ऑफ डैट क्रिएट स्टोर जिसमें रिड्यूसर पास की थी तो गैस उसके अंदर हमें एक मेथड मिलता है जिसका नाम है डिस्पैच एंड कल के वीडियो में आपके माइंड में बहुत डाउट आया होगा यार यूज रिड्यूसर में हमने एक्शंस तो बना लिए एक्शन टाइप बना लिए लेकिन उसको कॉल कब हम करेंगे एंड कैसे कॉल करेंगे तो यहाँ पे इंस्टीट ऑफ कॉल हम बोलते हैं डिस्पैच ठीक है जैसे अगर आपने अमेजॉन फ्लिपकार्ट में कभी ऑर्डर किया होगा तो देखना वहाँ पर डिस्पैच आपका ऑर्डर हुआ है या नहीं बोल के ठीक है एंड भाई जब भी आप डिस्पैच कॉल करते हो उसके अंदर वी नीड टू पास एन ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के अंदर मिनिमम एक प्रॉपर्टी तो आपको पास करनी ही पड़ती है एंड दैट इज़ नथिंग बट योर टाइप यही तो है आपका देखो ना एक्शन टाइप में आप ये लिखोगे कि कौन से एक्शन को आप परफॉर्म करना चाहते हो सिंपल राइट right? हमारे केस में सिर्फ दो ही तो एक्शन है एक तो वो ऐड वाला है दूसरा डिलीट वाला है तो उन दोनों में से ऑलरेडी केस तो हमने बना के रख दिया तो उन दोनों में से कोई एक केस आप यहाँ पे लिखोगे एंड साथ ही साथ मैंने आपसे कहा था कल की वीडियो में कि आप टेंशन मत लीजिएगा अगर आपको कुछ भी डेटा चाहिए जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है तो सिंपल आँख बंद करो एक्शन डॉट पे लोड खत्म बस वही ये देखो ना यहाँ पे देख रहे आप पे लोड है देखो पे लोड में मैं डेटा पास करता हूँ अगर यहाँ पर पे लोड के बदले मैंने थापा लिखा होता तो वहाँ मैं क्या लिखता एक्शन डॉट थापा पता चल गया ना आप डाउट क्लियर अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा सो so, देखो डिस्पैच इज यूज टू सेंड एक्शन टू द रिड्यूसर स्टोर गाइस वही है जब भी आप डिस्पैच को कॉल करते हैं इट कॉल योर एक्शन मेथड ऑफ द रिड्यूसर फंक्शन ठीक है एंड देन जो भी हो आपका वो केस मैच होगा स्विच स्टेटमेंट में एंड देन वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा एंड एक्शन डिस्क्राइब वॉट चेंज यू वॉन्ट टू मेक

तो ऑब्वियसली आपका जो स्टोर में जो टास्क हमने बनाई है एरिक उसके अंदर एक न्यू एलिमेंट ऐड हो गई है तो अगर आपको देखना है कि वो ऐड हुआ यानी देन यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर गेट स्टेट वाला मेथड एंड देन अगेन लेट्स से आपने डिलीट कर दी तो अब वो डिलीट हुआ है नहीं अगेन अगर वो आपको चेक करना हो देन वी कैन अगेन यूज दिस गेट स्टेट वाला मेथड तो स्टोर डिस्पैच मेथड एंड देन गेट स्टेट मेथड दिस इज इट आपका काम खत्म ठीक है तो अब मैं चलता हूँ अपने वेस्को एडिटर पर वो भैया हो एंड मैं ऑलरेडी कुछ लिख के रखा जैसे आवर सेकंड स्टेप इज टू क्रिएट द रिडक्स टोर कैसे क्रिएट करना है देखो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए व्हाट वी नीड वी नीड अ क्रिएट एंड देन स्टोर बाय द वे मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा एंड मिलेगा भी नहीं क्यों क्योंकि अभी तक हमने हमारे इस एप्लीकेशन में रिडक्स को तो इंस्टॉल ही नहीं किया सो मैं एक न्यू टर्मिनल ओपन करो पावर सेल ओपन की मैंने एक बार मेक श्योर sure कर लूँ कुछ है तो नहीं यहाँ पे या परफेक्ट ठीक है रिडक्स यूट्यूब थापा मैं अपने मेन फोल्डर के अंदर आ गया बेसिकली रूट फोल्डर अब यहाँ पे मुझे रेडक्स को इंस्टॉल करना है तो ये तो बच्चों वाला काम इंस्टॉल करना है देखो ना यहाँ पे आप देख ही सकते हो सो एन पी एम इंस्टॉल रिडक्स तो कॉपी कर लो एंड माई गॉट टेन मिलियन वीकली डाउनलोड है मैंने इंस्टॉल कर दी ठीक है बस दिस इज़ इट बस इतना ही करना आपका काम खत्म या तो मैं ऑलरेडी रन करा ही रहा था उसको एक बार कंट्रोल कंट्रोलर सेव कर लेते हैं मैं यहाँ पे चलूंगा सो so, क्या आप मुझे ऑटोमेटिक सजेशन आता है क्रिएट ये भगवान नहीं आ रहा है चलो कोई नहीं मैं एकदम टॉप पर चलता हूँ इस जगह पे ठीक है सो वी नीड टू इम्पोर्ट क्रिएट एंड देन स्टो फ्रॉम आवर रिडक्स ठीक है इस तरीके से दिस इज इट एंड आप देख सकते हो द मोमेंट मैंने इस पर्टिकुलर क्रिएट स्टोर को यू नो एक्सेस करने की कोशिश की बेसिकली इंपोर्ट तो बता रहा है इज डिक्ले बट इट्स वैल्यूज नेवर यूज दैट्स फाइन बट द मेन थिंग इज क्रिएट स्टोर इज नाउ डेप्रिकेटेड मैं जानबूझ के आपको यह बता रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम में मोस्टली अब हम रिडक्स टूल किट यूज करते हैं ठीक है बट अगर आपको ये आइडिया नहीं होगा कि हम रिडक्स टूल किट क्यों यूज करते हैं क्योंकि पहले तो हम ये यूज़ करते थे, थे ना सो डैट्स वाई बट डोंट वरी हम रिडक्स टूल किट की मदद से पूरा देखेंगे बट काइंड ऑफ अगर ये आप समझ जाते हो फंडा तो आपको बहुत मजा आएगा आपको ये पता चलेगा कि रिडक्स टूल किट में ऐसा आखिरकार है क्या क्या है राइट right? क्योंकि नॉर्मल हम कर ही रहे ना जो कुछ मैं ये करता हूँ वो जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकता हूँ बट आप उसको रिएक्ट की मदद से कर रहे हो लेकिन ऐसा तो नहीं कि आपने कभी जाब स्क्रिप्ट पढ़ा ही नहीं पहले आपने डायरेक्ट रिएक्ट शुरू कर दी नहीं पहले आपने जाब स्क्रिप्ट देखी फिर आप रिएक्ट पर आए तो सेम ये भी वही है फर्स्ट वी नीड टू लर्न वॉट रिडक्स एक्चुअली इज देन फिर जाओ ना फिर तो आपको पता चले कि कहाँ डिफ्रेंस है कहाँ पर क्या फायदा है एंड दी बेस्ट पार्ट रिडक्स एंड आरटीके आप दोनों को एक साथ यूज कर सकते हो ठीक है सो so, मैं यहाँ पर चलता हूँ कॉन्स्ट स्टो विल बी इक्वल टू आपका क्रिएट स्टो एंड इसके अंदर आपको वो फंक्शन पास करना है एंड कौन सा फंक्शन यही वाला फंक्शन तब से ये रेड अब फाइनली वो नीचे से उसका वो जो वेब है वो निकल जाएगा टास्क रिड्यूसर देखो फाइनली अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है और एट परफेक्ट सो आवर स्टोर इज रेडी लेट्स डू वन थिंग मैं आपको जल्दी से कंसोल करके स्टोर को दिखाना चाहता हूँ ठीक है मैं यहाँ पे चलता हूँ इंस्पेक्ट करता हूँ कंसोल एंड एक बार रिफ्रेश करूंगा तो बाय द वे आपको कुछ दिखेगा नहीं मैंने जानबूझ के किया ये क्यों नहीं दिखेगा क्योंकि ये स्टोर डॉट जेसेक्स आपने कहाँ पे मेंशन किया बताओ ऐप पे मेंशन किया कहीं पे स्टोर है हमारे एप्लीकेशन बोल के नहीं एंड देन वी हैव अ मेन डॉट तो यहाँ पे आइए सो लेट्स गो विथ इम्पोर्ट डॉट फॉरवर्ड स्लैस स्टोर डॉट जे एक्स तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टोर डॉट जे एक्स को आप मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया मेरे मेन डॉट जेसे फाइल पर तो फाइनली आई मीन बुम गाइस मैं यही बोलने वाला था फाइनली निकल गया बट यह आप देख सकते हो बहुत क्लियरली यहाँ पे देखो वी हैव अ डिस्पैच आप बहुत क्लियर देख डिस्पैच एंड देन गेट स्टेट रिप्लेस रिड्यूसर सब्सक्राइब एंड देन गाइज वी हैव ऑब्जर्वेबल है ना तो देखो ना ये डिस्पैच एंड गेट स्टेट तो मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिए बट इतने सारे ऑलरेडी हमें मिलता है एंड आपको पता चल गया कि अच्छा ऐसे ऐसे हमें चीजें मिल रही है जो मैंने कहा था कि आपको स्टोर के साथ मिलेगा ना लॉग इन लॉग इन टू द इनिशियल स्टेट ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा बहुत कुछ लिख के रखा है मैंने कैसे सो so, स्टोव डॉट uh, एक काम करता हूँ कंसोल डॉट लॉ के अंदर रखता हूँ उसको है ना यहाँ पे स्टो डॉट गेट स्टेट एक मेथड है इस तरीके से ठीक है uh, यहाँ पे मैं इस तरीके से कॉमा इनिशियल स्टेट लिख देता हूँ इनिशियल स्टेट ठीक है क्या आता है डेटा देखते हैं मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ सो so, देखो फिलहाल इनिशियल स्टेट में वी हैव दिस टास्क एंड टास्क के अंदर कुछ भी डेटा नहीं है राइट तो आपका इनिशियल स्टेट यही है एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये है अब अगर मैं यहाँ पे चलता सो दिस इज योर इनिशियल स्टेट मैं यहाँ पे इज लोडिंग uh, में लिख देता हूँ इस तरीके से ठीक है अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो अब आप देखो कि आपका जो इनिशियल स्टेट में वी हैव अ इज लोडिंग एंड देन वी हैव दिस टास्क एज एन एरे तो आपको पता चल गया कि ये गेट स्टेट का क्या काम है ठीक है नाउ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि ये जो मैंने रिड्यूसर फंक्शन में ये जो मैंने टास्क uh, रेडी की है इसको मैं कॉल कैसे करूँ बेसिकली अब मैं इसको डिस्पैच कैसे करूँ सो so, देखो फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ डेटा को ऐड करना है ठीक है सो वी हैव अ केस जिसका नाम है एड अंडर स्कोर टास्क सो ध्यान से देखिए मैं कैसे करता हूं सो so उसको कॉल uh, करने के लिए वी नीड टू कॉल द डिस्पैच मैथड तो वो डिस्पैच मैथड को कैसे यूज करें देखो स्टो ठीक है वी हैव अ स्टो डॉट वी हैव अ डिस्पैच मैथड मैंने कहा था इसके अंदर वी नीड टू पास द ऑब्जेक्ट जिसमें से मिनिमम एक आर्ग्यूमेंट आपका टाइप होता है जिसमें आपको ये बताना रहता है कि कौन से एक्शन को आपको परफॉर्म करना है या किसको कॉल करना है हमारे पास फिलहाल दो ही केस है ये एक्शन है और दूसरा एक्शन ये है यही दो एक्शन टाइप है क्या आपको ऐड करना है क्या आपको डिलीट करना है मुझे फिलहाल ऐड करना है तो ये इसको मैंने कॉपी की यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी दिस इज़ इट ठीक है अब अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आपको कुछ चीज़ ऐड करना है तो डेटा तो पास करना पड़ेगा एंड मैं ऑलरेडी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक्शन डॉट पे में मुझे कुछ डेटा मिलने वाला है सो वी हैव दिस पे सो पे मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय कोड लिख देता हूँ ठीक है क्योंकि आप गाई चेकआउट कर सकते हो हमारा टेक्निकल जो भी हो स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक ठीक है तो मेरा जो पूरा एंटायर यूट्यूब वीडियो का सोर्स कोड मैंने सिर्फ टू फोर्टी नाइन रुपीज़ में रखा आप जरूर चेकआउट कीजिएगा ठीक है दिस इज इट सो इस तरीके से मैंने की मैं इसको भी कॉपी करूँगा पेस्ट कर दूंगा अपडेटेड कर देता हूँ मैं यहाँ पर अपडेटेड स्टेट ठीक है सो स्टोर कैसे क्रिएट करना है स्टोर का जो करेंट स्टेट का डेटा कैसे फाइंड आउट करना है एंड एक्शन को कैसे कॉल करना है विद द हेल्प ऑफ डिस्पैच मेथड एंड उसको कैसे कॉल करना है वो सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया ठीक है अब मैं यहाँ पे चलता हूँ ये देखो सो नाउ इन आवर एरे वी हैव वन डेटा एंड बोंग गाइस सी देखो फाइनली मेरा डेटा आ गया ना यहाँ पे ये देखो बाय थापा टेक्निकल कोड टास्क के अंदर एक मेरा न्यू डेटा ऐड हो गया है ओके ठीक है मैं यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे इसी को वापस कॉपी करता हूँ पेस्ट करता हूँ मैं एक और डेटा ऐड कर देता हूँ बाय मैंगो अगेन ठीक है हालांकि क्या अगेन लिखना है क्योंकि मुझे लगा पहले का डेटा है बट नहीं देखो अब हमारे एरे के अंदर दो डेटा आ गया है देखो देखा बाय थापा टेक्निकल कोड एंड बाय मैंगो ये है ना कितना ज़्यादा औसम कि कैसे अब आप उस पर्टिकुलर एक्शन को कॉल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिस्पैच मेथड एंड देन इना रिड्यूसर फंक्शन हमने ऑलरेडी वो फंक्शनैलिटी uh, इम्प्लीमेंट कर चुकी है कि जब भी कोई इस पर्टिकुलर एक्शन टाइप को कॉल करेगा डेटा अपडेट हो जाएगा बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगी जो स्टेट है वो अपडेट हो जाएगा अब उसी तरीके से लेट्स मुझे डिलीट करना है ठीक है डिलीट वाला टास्क मुझे परफॉर्म करना है तो कैसे होगा देखो सो so, कॉपी करता हूँ इसको यहाँ पे आता हूँ सो वी हैव अ अस्टो डॉट अगेन वी हैव अ डिस्पैच मेथड वी नीड टू पास द ऑब्जेक्ट विद द टाइप प्रॉपर्टी जिसके अंदर मैंने ये अब वैल्यू पास कर दी अब अगेन वी नीड टू पास द पे फिलहाल मेरे पास दो ही एलिमेंट है डेट इज़ फर्स्ट एंड देन सेकेंड तो मैं वन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे पे लोड मैंने वन पास कर दी ठीक है मैंने आपसे कहा था याद है थोड़ी देर पहले कि एक्शन डॉट पे में बेसिकली यहाँ पे जब आप डिलीट कर रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको आई डी कहाँ से मिल रही है अब तो पता चल गया ना एक्शन डॉट पे लोड में मैंने आई डी पास कर दी वन वाली आई डी तो अब हमारे एरे मेरा जो एरे है उसमें फिल्टर यूज़ करो एंड जो भी इंडेक्स नंबर अगर उससे मैच नहीं होता है सिर्फ उसको रिटर्न कर देना उसको रिटर्न करना मतलब जो मैच हुआ उसको छोड़ के हम बाकी सब रिटर्न कर रहे एंड देन उसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा हूँ मतलब ऑटोमेटिकली डिलीट ही हो गया ठीक है तो ये इस तरीके से काम करता है कभी भी आधा दूरा छोड़ के नहीं जाना कल की वीडियो देख के जिसको भी लगा अभी अरे क्या चीज़ है बट आज के दिन दूध का दूध पानी का पानी हो गया कितने औसम तरीके से सब पता चल गया ठीक है मैं कॉल कर रहा हूँ देखो फिलहाल यहाँ पे आपको दो दिख रहा है एट दी एंड बट इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ पेस्ट मैं यहाँ पर डिलीटेड डिलीटेड स्टेट करूँगा तो वापस से वो एक हो जाएगा गाइस से देखा सॉरी यहाँ पर देखना अभी वापस से ये देखो इस जगह पर सो फर्स्ट इनिशियल स्टेट ज़ीरो देन अपडेटेड स्टेट एक मैंने ऐड कर दी बाय थापा वाला फिर मैंने मैंगो एड की फिर एट दिन में मैंने फिर डिलीट टास्क ऑपरेशन परफॉर्म की डिलीटेड स्टेट वापस मेरा एरे जो पहले टू था वो वन हो गया एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो बाय थापा टेक्निकल एंड बाई मैंगो वाला हमने डिलीट की क्योंकि एक इंडेक्स नंबर पर आपका कौन था आपका था वो मैंगो सिंपल सो या गया इस दिस इज इट ये था आपका स्टोर इन योर रिडक्स जहाँ पे स्टोर को कैसे क्रिएट करना है एंड देन क्रिएट करने के बाद ये गेट स्टेट मेथड का क्या काम होता है एंड देन आप कोई भी एक्शन को कैसे डिस्पैच कर सकते हो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ठीक है आपको मैंने एड टास्क करके भी बताई डिलीट टास्क करके भी बताया तो अब हम आगे देखेंगे कि वॉट इज एन एक्शन एंड वॉट इज एन एक्शन क्रिएटर्स तो इसको हम और डिट और बेटर इसको और इम्प्रूव करेंगे कल की वीडियो में एंड देन मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपना जो ये अभी कोड आपने इतना कुछ लिख दिया राइट right? तो अब इसको फाइनली आप रिएक्ट के साथ कैसे कनेक्ट कर आ, कैसे कनेक्ट करोगे एंड अभी फिलहाल तो मैं क्या कर रहा हूँ खुद से ही डिस्पैच कर रहा हूँ ना बाय मैंगो या इसको डिलीट कर लेकिन तब जब भी कोई इस पर क्लिक आई मीन टाइप करके ऐड करेगा तब मुझे इस पर्टिकुलर एक्शन uh, को कॉल करना है तब मैं कैसे कर पाऊंगा एंड जब इस पर डिलीट करें तो ये वाला जो एक्शन है वो मुझे परफॉर्म करें तो वो मैं कैसे कर पाऊंगा तब रियल तब और मज़ा आएगा ना बट एटलीस्ट इतना अगर आपको समझ गया तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ भर भर किससे एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज इस सेवन लैक् सब्सक्राइबर्स सो गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ कीजिएगा मिलता हूँ मैं आपको कल की वीडियो में तिल देंगे थैंक यू सो मच टेक केयर